नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को चलाते हैं और आपको उसका ATM कार्ड मतलब ATM कार्ड आपके देखने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी डिजिट देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ATM कार्ड आपका अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता सकता हूं आप किस तरीके से अपना ATM कार्ड देख सकते हैं। दोस्तों इस बैंक को कह देते हैं IPPB। दोस्तों अगर आपको इसका ATM कार्ड देखने में, डेबिट कार्ड देखने में कोई समस्या आ रही है तो यार कैसे सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा क्लियर करके। वीडियो कंप्लीट देखना। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या काम करना है, अपने ये जो आपका एप्लीकेशन है इसमें ओपन हो जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग इसमें ओपन हो जाएंगे तो आपको उसके बाद में क्या काम करना है, आपको उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद में आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रुपए डेबिट कार्ड का आपके सामने ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे टैप करना है। सीधी सी बात है, आप अगर आप ATM कार्ड देखना चाह रहे हो तो यहीं पे आपको टैप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये 4 डिजिट दिखा रहा है, मतलब सारे अंक नहीं दिखा पा रहा है ना, और ना ही हमारे यहाँ पे एक्सपायरी डेट दिखा पा रहा है, मतलब अच्छे से हमें दिख नहीं पा रहा है। तो यार क्या कर सकते हो आप लोग। दोस्तों अगर आप लोग इस व्यू कार्ड डिटेल्स वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो तब भी आपके सामने कोई समस्या आ रही होगी, अगर आप देख सकते हो आपके सामने ये वाली समस्या आ रही होगी, तब भी आप इस कार्ड वाले ऑप्शन पे टैप करते हो और आप अपना MI पिन डालते हो तो ये प्रॉब्लम आती होगी आपके सामने, गो टू होम, ठीक है। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से समझना दोस्तों। दोस्तों कभी कभी क्या है होता है ना दोस्तों, जब मान के चलो हमारे फ़ोन में कोई ऐप काम करता है, जब हैंग चलने लगता है तो मान के चलो कोई अपडेट आता है, यानी फ़ोन में ऐप्स जो हैं वो अपडेट आते हैं। दोस्तों इसके जो प्रॉब्लम है ना, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद में ये चीज़ चेक करना है कि ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये अपडेट तो नहीं मांग रहा है। अगर ये आपका अपडेट मांग रहा है तो यार दोस्तों इसको अपडेट ज़रूर कर लें, ठीक है। पहली समस्या तो ये है, उसके बाद में इसको दोबारा कर से इन इंस्टॉल करना है आपको, ठीक है। तब आप फिर से इसमें लॉगिन कीजिएगा, अगर लॉगिन करना नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक वीडियो का लिंक है, देख लीजिएगा कैसे इसमें अच्छे से आप लोग लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बहुत बड़ा इसमें अपडेट चलता रहता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वीडियो ज़रूर देख लें किस तरीके से इसमें लॉगिन करना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप फिर से अपना मतलब जब आप इसमें अपडेट हो जाएंगे दोबारा कर से तो यहाँ पे फिर से अपना पिन डालना है। उसके बाद में फिर से आप यहीं पे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो फिर से आपको क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे टैप करना है। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पे व्यूज़, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे फिर से देखो व्यूज़, जब आप इसको अपडेट कर लेंगे ना, आपको जब दोबारा कर से इसमें लॉग इन करेंगे फिर से आपके सामने यही ऑप्शन दिखेगा व्यू कार्ड डिटेल। जब आप इसको मतलब टैप करेंगे तो आपका MI पिन फिर से आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा 4 डिजिट का। उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म आपको यहाँ पे करना होगा। कंफर्म करने के बाद में आपके सामने फिर से यहाँ पे देखिएगा, फिर आपको दिख जाएगा यहाँ पे देखिएगा ये जो है हमारे सारे अंक यहाँ पे दिख रहे हैं, हालांकि ये मैंने ब्लर करे हुए हैं, और यहाँ पे देखिएगा हमारा MI पिन भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर दोस्तों आपको फिर भी समस्या आती है ना यार, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही तो यार लाइक करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे करके ऑल पे कर लीजिएगा, आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।